बिग बॉस के फिनाले वीक के लाइव वोटिंग ट्रेंड में हुआ बड़ा बदलाव। सुम्बुल के फैंस ने किया इस कंटेस्टेंट को जमकर सपोर्ट। प्रियंका चहर चौधरी और ये कंटेस्टेंट के बीच हुआ कड़ा मुकाबला। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि कौन है फर्स्ट पोजीशन पे और कौन है आखिरी पोजीशन पे, आखिर किसके हाथों सजेगी बिग बॉस की ये ट्रॉफी। तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों बिग बॉस के घर में अब फिनाले वीक चल रहा है। फिनाले वीक में बड़े बड़े कंटेस्टेंट हैं और इन कंटेस्टेंट पे बड़े बड़े दाव भी लग चुके हैं। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज प्रियंका को जहां सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एमसी स्टैंड को रैपर और म्यूजिक इंडस्ट्री से जमकर सपोर्ट मिल रहा है। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता दूं, सुम्बुल के फैंस जमकर सपोर्ट कर रहे हैं मंडली को और एमसी स्टैंड को। दरअसल यहां पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है, ओपनिंग ट्रेंड में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। वैसे हम बात करेंगे आखिरी पोजिशन से, तो एक बार फिर आखिरी पोजिशन पे बने हुए हैं, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे शालीन भनोट, जो कि पहले ही दिन ट्रेंड से वो फिफ्थ पोजीशन पे ही थे। इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे अर्चना गौतम को रखा गया है। फिलहाल अर्चना में और शालीन में कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, ये दोनों ही फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे जब से ये ट्रेंड चालू हुआ है तब से कायम है। इसके अलावा थर्ड पोजीशन की जो लड़ाई है ना, वो बहुत ही कड़क मुकाबले वाली है, क्योंकि अब तक थर्ड पोजीशन पे एमसी स्टैंड थे। शिव ठाकरे को पॉलिटिशियन का, महाराष्ट्र का जमकर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बावजूद उसके सुम्बुल के फैंस ने ऐसा सपोर्ट दिखाया है एमसी स्टैंड को। एमसी स्टैंड आ गए हैं दूसरे पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं शिव ठाकरे, जो कि एक बड़ा शॉकिंग अपडेट है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मंडली में बड़ी लड़ाई चल रही है। अब बात करें अगर नंबर वन पोजिशन की, तो नंबर वन पोजिशन पर विराजमान है नन अदर दैन ओनली वन एंड ओनली प्रियंका चहर चौधरी। वैसे मैं आपको ये बता दूँ, नंबर वन की पोजिशन के लिए कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। नंबर वन की पोजीशन जो है वो कायम की हुई है प्रियंका चहर चौधरी। प्रियंका को जमकर सपोर्ट मिल रहा है, ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है, ट्विटर पे नंबर वन पर ट्रेंड हो रहा है अराइजिंग विनर प्रियंका। और प्रियंका को लेके सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, करीब 10 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रियंका को सपोर्ट कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में प्रियंका को वोट मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं लगता है कि नंबर वन की पोजीशन पर कोई बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में यानी कि अभी ये वोटिंग ट्रेंड जारी रहेगा। आप जमकर सपोर्ट दिखा सकते हो अपने कंटेस्टेंट को, लेकिन 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 यहाँ पे एमसी स्टैंड और शिव ठाकरे के बीच एक कड़ा मुकाबला हो रहा है, कोई भी नंबर सेकंड की पोजीशन पे आ सकता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मुकाबला होगा ना बिग बॉस की ट्रॉफी का, ये तो साफ दिखाता है कि प्रियंका वर्सेज स्टैंड, प्रियंका वर्सेज शिव हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, प्रियंका तो दोनों ही मामलों में नंबर वन रहेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन मारता है इस ट्रॉफी में विनर का खिताब। आपको क्या लगता है आखिर कौन है वो कंटेस्टेंट जो बनेगा इस सीज़न का, जो बनेगा इस सीज़न का विनर, जो इतना सक्सेसफुल सीज़न रहा है उसका खिताब किसको मिलेगा? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।